प्राची देसाई ने अपना फिल्मी करियर की शुरुआत सन 2008 ईस्वी में आई मूवी रॉक ऑन से किया था। इस मूवी में प्राची देसाई, अर्जुन रामपाल, फरहान अख्तर, पूरब कोहली थे। इस फिल्म का बजट 19 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 36 करोड़ 90 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। सन 2009 ईस्वी में प्राची देसाई की दूसरी मूवी लाइफ पार्टनर रिलीज हुआ। इस मूवी में प्राची देसाई गोविंदा, तुषार कपूर, फारदीन खान, जेनेलिया डिसूजा थे। इस फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 33 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। सन 2010 ईस्वी में प्राची देसाई की तीसरी मूवी वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई रिलीज हुआ। इस मूवी में प्राची देसाई, अजय देवगन, इमरान हाशमी, रणदीप हुड्डा, कंगना रनौत थे। इस फिल्म का बजट 38 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। सन 2012 ईस्वी में प्राची देसाई की चौथी मूवी तेरी मेरी कहानी रिलीज हुआ। इस मूवी में प्राची देसाई, शाहिद कपूर, प्रियंका चोपड़ा, नेहा शर्मा थे। इस फिल्म का बजट 41 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 54 करोड़ 48 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। सन 2012 ईस्वी में प्राची देसाई की पांचवी मूवी बोल बच्चन रिलीज हुआ। इस मूवी में प्राची देसाई, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, कृष्णा अभिषेक थे। इस फिल्म का बजट 66 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 159 करोड़ 66 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। सन 2013 ईस्वी में प्राची देसाई की छठी मूवी आई मी और मैं रिलीज हुआ। इस मूवी में प्राची देसाई, राइमा सेन, चित्रांगदा सिंह, जरीना वहाद थे। इस फिल्म का बजट 20 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 13 करोड़ 78 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। सन 2013 ईस्वी में प्राची देसाई की सातवीं मूवी पुलिस गिरी रिलीज हुआ। इस मूवी में प्राची देसाई, संजय दत्त, प्रकाश राज, ओम पुरी, राजपाल यादव थे। इस फिल्म का बजट 30 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ 28 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। सन 2016 ईस्वी में प्राची देसाई की आठवीं मूवी अजहर रिलीज हुआ। इस मूवी में प्राची देसाई, इमरान हाशमी, नरगिस फाकड़ी, लारा दत्ता, कुणाल रॉय कपूर थे। इस फिल्म का बजट 40 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 49 करोड़ 93 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। सन 2016 ईस्वी में प्राची देसाई की नौवीं मूवी रॉक ऑन 2 रिलीज हुआ। इस मूवी में प्राची देसाई, अर्जुन रामपाल, श्रद्धा कपूर, फरहान अख्तर थे। इस फिल्म का बजट 45 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। सन 2021 ईस्वी में प्राची देसाई की 10वीं मूवी साइलेंस कैन यू हियर इट रिलीज हुआ। इस मूवी में प्राची देसाई, मनोज वाजपेयी, गरिमा याग्निक, बरखा सिंह थे। इस फिल्म का बजट 30 करोड़ रुपए था और यह मूवी OTT प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज किया गया। सन 2022 ईस्वी में प्राची देसाई की 11वीं मूवी फॉरेंसिक रिलीज हुआ। इस मूवी में प्राची देसाई, विक्रांत मेसी, राधिका ओप्टे, रोनित रॉय थे। इस फिल्म का बजट 15 करोड़ रुपए था और यह मूवी OTT प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज किया गया।